प्रिया विक्की के एंगेजमेंट में उसे क्या गिफ्ट दे अरे हम दोनों जा रहे हैं ये काफी नहीं है नॉट बैड नॉट बैड मिस्टर इधर आओ मैं हाँ तू इधर आ साहब यहाँ पंद्रह बीस पच्चीस मिनट से इंतजार कर रहे हैं तुम बेटा नजर चुरा के निकले चले जा रहे हो मेरे लिए क्यों ये तुम्हारी गाड़ी है जी ना nice कार अच्छा फंडा है चल कहा पुलिस स्टेशन पुलिस स्टेशन क्यों सर महेश सक्सेना महेश सक्सेना जिसका कल रात 12 से 1 के बीच में मर्डर हुआ है मुझे शक है कि मर्डर तूने किया है मर्डर नहीं सर आपको कोई गलतफहमी हुई है गलतफहमी असलियत क्या है पुलिस स्टेशन में पता चल जाएगा प्यार से चल नहीं हा? तो घसीट कर ले जाऊंगा सब कहां ये कल रात को यही गाड़ी आई थी ये कार तो इसी की है हाँ। क्या उस वक्त ये कार में मौजूद था ये सब मुझे नहीं मालूम मेरी घर की खिड़की से ये नहीं दिखाई दे रहा था लेकिन अगर कार इसकी है तो कातिल भी यही होगा ये क्या कर कुनी हाँ। हत्यारे मैंने... मैं तुझे जिंदा नहीं छोडूंगी क्या बिगड़ता मेरे पति रे तेरा चुतुरेल से मार डाला मैडम मैडम प्लीज प्लीज रिलैक्सबल ले जाइए चलिए मैडम मैं कितनी बार कह चुका मैं किसी महेश सक्सेना को नहीं जानता और ना ही मुझे पता उसका बंगला आवाज नीचे धीरे बात कर अगर तुझे बंगले का पता नहीं मालूम तो तेरी कार वहां कैसे पहुंची मिसेस सक्सेना ने फोन करके तेरी कार का नंबर कैसे दिया मुझे कैसे मालूम सीताराम सर ये ऐसे नहीं मानने वाला इसको तो समझाना पड़ेगा मेरा फंडा सर महेश सक्सेना के मर्डर के स्पॉट पर टायर के जो निशान मिले थे वो इसी गाड़ी के थे एक सरप्राइज न्यूज और है सर कैलाश चोपड़ा का खून जहां हुआ था वहां पर भी सेम टायर के निशान थे ये लीजिए ओ तो ये फंडा है साहब मुझे लगता ये बहुत बड़ा सीरियल किलर है अब तो ये इन्वेस्टिगेशन एबीसी से शुरू करनी होगी अच्छा ये बता तूने कैलाश चोपड़ा का खून क्यों किया कैलाश चोपड़ा कौन कैलाश चोपड़ा अच्छा कौन कैलाश चोपड़ा अरे वही कैलाश चोपड़ा जिसका कत्ल 29 तारीख की दोपहर को तीन और चार बजे के बीच में पालघर की रेलवे क्रॉसिंग पर तूने किया इंस्पेक्टर साहब मैंने किसी का कत्ल नहीं किया और 29 तारीख को तो सुबह से शाम तक मैं अपने काम पर था कहा काम करता है तू करतार सिंह की गैराज पर सीताराम इससे करतार सिंह का नंबर लेकर करतार सिंह को अब भी बुलाओ यहाँ पर जी जी साहब अरे क्या हुआ भाभी जी इनके कातिल को पकड़ लिया है है उसका अच्छा उसने गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर गुड मॉर्निंग अच्छा यही है वो कातिल जिसने मेरे दोनों पार्टनर्स का खून किया है कमीने मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा फांसी पर चढ़ा दूंगा तुझे आप जल्लाद है क्या है फांसी पर चढ़ाना जल्लाद का काम है, है? अरे हुआ ये तो लेटेस्ट न्यूज है क्या? कमाल है डैड। आपने कभी बताया कि आप जल्लाद मिस्टर है yourself, Mr. ये पुलिस स्टेशन है हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं चलिए बाहर जाकर बैठिए चल जो जो सरदार जी तो पूरा पटियाला लेकर आ गए ये सब क्या है पुत्र पाजी पता नहीं देखिए सरदार जी आप इस लड़के को पहचानते हैं बिल्कुल पहचानता हूँ जी अपना ही बच्चा है मेरे गैराज में काम करता है पार्ट टाइम इस लड़के ने दो खून किए हैं क्या पहला मर्डर 29 तारीख को और दूसरा कल शाम को मैंने आपको ये पूछने के लिए यहाँ बुलाया है कि उनतीस तारीख को सुबह से लेकर रात तक ये लड़का आपके साथ में था क्या सोच रहे हैं सदा जी मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सरकार ने आप में कौन सी काबिलियत देखकर आपको ये वर्दी दी है सदा जी आप जरा इस बच्चे को गौर से देखिए क्या आपको लगता है कि इसने कोई मर्डर किया होगा सदा जी आप मुझे सीधे सीधे ये बताइए कि उन्तीस तारीख को ये लड़का कहाँ था मेरे काम पर मैंने इसे अपने ग्राहक सिंघानिया साहब की गाड़ी ठीक करने के लिए टोइंग वैन दे भेजा हुआ था उस वक्त इसकी कार कहां थी अरे भाई जब ये लेकर गया था तो तो इसकी अपनी गाड़ी तो गैराज में ही होगी ना? और सर जो आपने कल शाम के मर्डर की बात कही है तो कल शाम को सात सेवन तो में थे और सर हम क्लब के मैनेजर को भी अपने साथ लाए अगर आप चाहें तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कल शाम से रात तक ये मेरे ही क्लब में था अब आप कैसे कह सकते हैं कि दोनों खून राज नहीं किए हैं मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ मत दीजिए मुझे तो बहुत डर लग रहा है अपने पास जितने सबूत नहीं है उससे ज्यादा तो इसके पास गवाह है शराब इंस्पेक्टर साहब आपका हुक्म हो तो हम इसे ले जाए कानून का भी अपना फंडा है या तो फाइल बंद होती है या मुजरिम बंद होता है लेकिन ये केस अभी दोनों तरफ से ओपन है शेटी स्टेटमेंट लिखो इन सब का और फिलहाल इसको जाने दो लाइन में बाहर जाना <laughs> मिस्टर सक्सेना तो मैं तो मैं तो <laughs> टेंशन मैंने कुछ किया ही नहीं है जबरदस्ती दो दो मर्डर का इल्जाम लगा अच्छा दिया। लेकिन तुम दोनों को याद तो है ना कल तुम दोनों पूना आ रहे हो मेरे एंगेजमेंट के लिए हाँ बाय 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 से तो छुट गया लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। क्या? <laughs> आपका मुंह काला हो गया। हेलो भाई क्या बात है इतने दिनों से तुम्हारा कोई फोन नहीं आया सब ठीक तो है I'm fine, पापा. आप कैसे हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ ये बताओ राज कैसा है he's okay papa मैं अभी उसी के साथ एक friend की engagement में पुणा जा रही हूँ अच्छा रात आ गया papa enjoy yourself happy journey and dad loves you thank you papa bye